नमस्कार। पिछले टर्न में हमने बात करी थी मिर्टेसी फैमिली के विभेदात्मक लक्षणों की, इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स की, इसके रेंज ऑफ फ्लावर करेक्टर्स की। सबसे पहले हमने बात करी थी इसकी वर्गीकृत स्थिति की, सिस्टमेटिक पोजीशन की। बेंथम व हुकम के हुकर के अनुसार, एंग्लर व प्रिंटल के अनुसार और हचिनसन के अनुसार इस वर्गी मिर्टेसी फैमिली को कहाँ पर रखा गया है, कौन सी इसकी वर्गीकृत स्थिति की, सबसे पहले हमने उसकी चर्चा करी थी। उसके बाद हमने इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करी थी, जिसमें हमने इसके प्लांट रेंज ऑफ प्लांट हैबिट, रूट, स्टेम और लीव्स की चर्चा करी थी। उसके बाद हमने रेंज ऑफ फ्लावर करेक्टर्स को लिया था, जिसमें इसके इन्फ्लोरेसेंस, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की चर्चा करी थी। उसके बाद हमने इसके टाइप ऑफ फ्रूट्स, सीड और पोलिनेशन की बात करी थी। आज हम चर्चा करेंगे इसके अगले आगे की भाग की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इसके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की, इसके आर्थिक महत्व की और इसकी एफिनिटी की। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। एक जनरल फ्लोरल फार्मूला हमारे सामने दिखाई दे रहा है और दो प्लांट के हमें फ्लोरल डायग्राम भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो है साइजीजियम क्यूमिनिका और मिटस का। हमें दो तीन इंपॉर्टेंट प्लांट्स के फ्लोरल डायग्राम जानना जरूरी है, जैसे साइजीजियम क्यूमिनिका और एक केलिस्टिमोन का और मिटस का। एक जनरल फॉर्मल फ्लोरल फार्मूला की हम बात करते हैं, सहपत्र और सहपत्रिकाएं। इसके बाद हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि पुष्प जो होंगे वो त्रिज्या सम्मित एक्टिनोमॉर्फिक हैं, द्विलिंगी। उसके बाद हम देखें नंबर ऑफ सेपल्स को और नंबर ऑफ पेटल्स को, तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं 4 to 5। नंबर ऑफ सेपल्स में भी 4 और 5। वो हम सेपल्स को देखें कि वो फ्री हो सकते हैं या यूनाइटेड हो सकते हैं। उसके बाद दिखाई दे रहे हैं हमें पुमंग, स्टेमेंस, एंड्रोशियम। पुंकेसर जो है संख्या में दिखाई दे रही है वो असंख्य होंगे और वो हमें इसमें दिखाई दे रहा स्वतंत्र पुंकेसरी। लेकिन हमें कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे केलिस्टिमोन, उसके अंदर जो पुंकेसर होंगे वो एक संगी होंगे। लेकिन दो चित्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर ये स्वतंत्र पुंकेसरी हैं इनके अंदर ये। इसके अलावा हमने देखा था कि टिस्टेनिया में पंचसंगी हो सकते हैं, मेलेलुका में 5 पुंकेसर दलाभूमिक होंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं इसके गाइनोशियम को, उसमें हमें कार्पस के नंबर ऑफ कार्पस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं द्विअंडपी से बहुअंडपी, 2 to multicarpillary ना। तो इन दोनों चित्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं ये, और इनके अंदर जो अक्षीय बीजांडन्यास एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा इसकी फैमिली में, यूकलिप्टिस में, केलिस्टिमोन में, सब में। लेकिन हमें जानना भी जरूरी है कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिनके अंदर की भित्ति बीजांडन्यास होगा, पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा, जैसे डार्विनिया में, कैलिकोथ्रिक्स में, रोडोमिनिया में, इनमें की पेराइटल प्रेजेंटेशन होगा और अंडाशय एक कोष्ठी होगा। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा ओवरी कैसी है, इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर क्योंकि फ्लावर एपिगाइनस है। लेकिन हमें जानते हैं, हमने पेरिगाइनस का एग्जांपल भी लिया था, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हुए इसकी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोर डायग्राम की बात। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जेनेरा की बात पहले करते हैं, उसके बाद हम इसके आर्थिक महत्व पर डिस्कस करेंगे। कुछ नाम हमको दिखाई दे रहे हैं जो इस फैमिली में आने वाले महत्वपूर्ण जेनेरा हैं, जैसे यूकलिप्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट जेनेरा इस फैमिली का वो है यूकलिप्टिस, और उसकी कई प्रजातियां यूकलिप्टिस की, कई स्पीशीज हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है केलिस्टिमो, जो कि एक ऑर्नामेंटल ट्री है, जिसको बोटल ब्रश के नाम से जानेंगे, और इसको भी कई स्पीशीज है। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है साइजीजियम क्यूमिनी, जामुन, जो एक ट्री के रूप में होगा। उसके बाद साइजीजियम एरोमेटिकम, जिसको हम कहेंगे क्लोव, लौंग, जो कि एक स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, मसाले और गर्म मसालों के रूप में काम आएगा। उसके बाद हमें जो नाम दिखाई दे रहा है गुआवा, अमरूद का, साइडियम गुआजावा, जो कि एक एडेबल ट्री है, एडेबल फ्रूट है, हम खाने में काम में लेते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट भी नजर आ रहे हैं, जैसे मिर्टस, उसकी स्पीशीज की बात भी हम करेंगे। एक क्षुप नजर आ रहा है झाड़ी, केरिया, मेलिलुका और बेरिंगटोनिया। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जेनेरा देख रहे हैं, इनके अलावा भी इसमें और जेनेरा भी होंगे। अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली मिर्टेसी। जो फैमिली मिर्टेसी है, इसका आर्थिक महत्व फ्रूट्स के रूप में भी है, टिम्बर के रूप में भी है, मेडिसिन के रूप में भी है, स्पाइसेस के रूप में भी है, ऑयल के रूप में भी है, तो कई सारे इसके उपयोग है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फल की, फ्रूट्स की, जो एडेबल फ्रूट्स खाने में काम में आएंगे, उनकी हम बात सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले कुछ नाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे साइडियम गुआजावा, गुआ अमरूद एक तो, फिर दिखाई दे रहा है हमें साइजीजियम क्यूमिनी, जाम्बोलेन, जामुन, जिसको हम खाएंगे।
साइजिजियम जाम्बोस रोज एप्पल, या जिसको कहेंगे गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का नाम आप तो सुना होगा खाने के लिए मिठाई के रूप में स्वीट डिश, और दूसरा दिखाई दे रहा है हमें पेड़ पौधे के रूप में रोज एप्पल, गुलाब जामुन, साइजिजियम जाम्बोस। तो ये भी हमें याद रखना है। ये हमने तीन नाम तो हमें दिखाई दे रहे हैं, साइजिजियम क्यूमिनी, साइजिजियम जाम्बोस और साइजिजियम गुआजावा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जामुन और अमरूद, इनकी फैमिली है मिर्टेसी, साइजिजियम क्यूमिनी और साइजिजियम गुआजावा। इनके अलावा अन्य भी हैं एडेबल फ्रूट्स के रूप में, जैसे साइजिजियम फ्रूटिकोसम जंगली जामुन, साइजिजियम मेलाकेंस मलाया जाम, ये और इसके अलावा भी फ्रूट्स के नाम हम जो दे सकते हैं। तो हमने देखा फ्रूट के रूप में है ना, तो सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रोड्यूस एडेबल फ्रूट्स लाइक साइजिजियम क्यूमिनी, जामुन, साइजिजियम गुआजावा, अमरूद विद एडेबल फ्रूट्स। तो सबसे पहले फल के रूप में एडेबल फ्रूट्स। अब हम बात करते हैं इनकी टिम्बर की, वुड की, कास्ट के रूप में भी ये बहुत फैमिली उपयोगी फैमिली है। तो हमें जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेवरल स्पीशीज ऑफ यूकलिप्टिस, साइजिजियम एंड मेलिलोका यील्ड वैल्यूएबल टिम्बर विच हैज वेरियस यूजेस। द वुड ऑफ यूकलिप्टिस एंड साइडियम इज यूज्ड इन इनग्रेविंग एंड मेकिंग हैंडल्स। इन ऑस्ट्रेलिया द वुड ऑफ यूकलिप्टिस इज यूज्ड फॉर रेलवे स्लीपर्स, ब्रिजेस एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री। तो टिम्बर के रूप में कई सारे हमें नजर आ रहे हैं, जिसे हम बात करते हैं सबसे पहले यूकलिप्टिस की। तो यूकलिप्टिस की बहुत सारी स्पीशीज है जो काम में आएगी, वुड काम में आएगी टिम्बर के रूप में। यूकलिप्टिस की कई जातियों से कास्ट प्राप्त होती है जो फर्श बनाने में मतलब फ्लावर मेकिंग में काम आती है, और कई जातियों की कास्ट से कागज के लिए लुगदी बनाई जाती है। कई जगह आपने देखा रेलवे स्लीपर और ये भी इनसे बनेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं साइजिजियम की स्पीसीज से, मेलिलोका की स्पीसीज से और साइडियम गुआजावा, इनकी स्पीसीज भी टिम्बर के रूप में काम में आती है। इनके अलावा बेरिंगटोनिया एंग्लुटेवला, ये भी टिम्बर के रूप में काम में आएगा, और एक शब है केरिया आर्बोरिया, इन दोनों वृक्षों की कास्ट जो है वो नाव और कैबिनेट कार्यों के लिए भी प्रयुक्त होती है। तो टिम्बर के रूप में भी, वुड के रूप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, फैमिली मिर्टेसी। उसके बाद ये फैमिली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए भी जानी जाती है, इसमें सजावटी जो है ऑर्नामेंटल ट्रीज हैं और शब भी इसके अंदर आएंगे। कई सारे हमें नाम नजर आ रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यहाँ पे, जो हम यहाँ देख रहे हैं। मेनी प्लांट्स एग्जाम्पल कैलिस्टिमोन, मिर्टस, मेलिलोका, ल्यूकोडेंड्रॉन, ट्रिस्टेनिया, यूकलिप्टिस स्पीसीज आर कल्टिवेटेड फॉर देयर शोवी नेचर इन द गार्डन्स। कुछ हमें जो नाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कैलिस्टिमोन, जिसका कॉमन नेम है बॉटल ब्रश, इसलिए नाम दिया गया ये कि बॉटल ब्रश की तरह दिखाई देते हैं इसके फ्लावर। इसकी बहुत सारी स्पीशीज है जो कि ऑर्नामेंटल रूप में उगाई जाती है गार्डन रूप में, जैसे सम स्पीशीज की हम बात भी कर सकते हैं, कैलिस्टिमोन लेंसियोलेटस, कैलिस्टिमोन विमिनेलिस, कैलिस्टिमोन लियनेरिस, कैलिस्टिमोन सेलिगेनस, कैलिस्टिमोन सिट्रिनस। ये हमें कुछ स्पीशीज जो दिखाई दे रही है बॉटल ब्रश के रूप में ऑर्नामेंटल ट्री है, बहुत सुंदर फ्लावर होंगे और एक ये लंबा ऊंचा वृक्ष होगा बॉटल ब्रश। उसके बाद हम बात करते हैं और भी हमें नजर आ रहे हैं, जैसे मिर्टेल कॉमन नेम है मिर्टस कम्युनिस, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके अलावा जो है मेलिलोका ल्यूकोडेंड्रॉन, जिसको हम कहेंगे केजपत तेल, केजपत ट्री कहलाएगा ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में। और यूकलिप्टस की बहुत सी स्पीशीज भी लगाई जाती है, ये सड़क के दोनों किनारों पर, खेतों के किनारों पर और कई जगह लगाई जाती है यूकलिप्टस स्पीशीज। तो ये हमने देखा ऑर्नामेंटल जो है रूप में बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे लेप्टोस्पर्मम लेविगेटम, लेप्टोस्पर्मम स्कोपेरियम, पर हम ये इतने नाम भी जान जाएं तो हमारे लिए पर्याप्त है, जैसे कैलिस्टिमोन, मिर्टस और यूकलिप्टस, इन तीन का नाम हम दे दें तो हमें पर्याप्त होगा ऑर्नामेंटल रूप में मिर्टेसी को पहचानना, मिर्टेसी को जानना। तो ये बात हमने करी शोभाकारी पादप के रूप में ऑर्नामेंटल प्राप्त किया। अब हम देखते हैं औषधियों के रूप में, मेडिसिंस के रूप में भी ये फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है, और कई सारी औषधियां मेडिसिंस इससे प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ कुछ नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और भी हम बात कर सकते हैं, जो है यूकलिप्टिस ऑयल इज यूज इन इन्फ्लुएंजा, इट इज मिक्स विद क्लोव ऑयल एंड यूज इन रूमेटिज्म। द रूट ऑफ यूकलिप्टिस आर परगुरटिव, क्लोव ऑयल इज एंटीपायरेटिक एंड लार्जली यूज इन गम ट्रबल्स। The leaves and seed of Syzygium cumini are used in indigenous medicine for dysentery, diabetes and diarrhea. तो हमने यह देखा यहाँ पर कि उनकी बात करते हैं, सबसे पहले जैसे जामुन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है Syzygium cumini, और हमने देखा कि Syzygium जामुन है वो कई रूप में काम में आ रहा है,
इसकी पत्तियां, इसके बीज, इंडिजिनस हमारे देश दवा है ये, डिसेंट्री के लिए, डायबिटीज के लिए, डायरिया के लिए काम में लेते हैं जामुन को, जामुन की पत्तियां को उनको। इसी प्रकार से मेलिलोका लिकोडेंड्रॉन जिसको कहते हैं केजपत तेल प्राप्त होगा, केजपत ऑयल कि इनकी पत्तियों से शाखाओं से प्राप्त होता है, तथा ये रूमेटिज्म अर्थात गठिया खांसी और चर्म रोग, स्किन डिजीज और दांत दर्द में के उपचार में तथा कीटनाशक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और इसकी जो केजपात की पर्ण है वो मसालों के रूप में भी उपयोगी, जिसकी हम बात करेंगे बाद में। तो मेलिलोका लिकोडेंड्रा हमने देखा जिसको, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, केजपत ऑयल, केजपत तेल, और ये बहुत सारे उपयोग के अंदर आ रहा है मेडिसिन के रूप के अंदर। उसी प्रकार से हम यूकलिप्टस की बात हमने थोड़ी देर पहले करी है, यूकलिप्टस का तेल बहुत उपयोगी है, इसकी कई जातियों की पत्तियों से यूकलिप्टस तेल निकाला जाएगा जो औषधीय तथा अपमार्जक डिटर्जेंट के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। और हमने बात भी करी है कि इन्फ्लुएंजा में काम में आएगा, इसकी क्लोव ऑयल के साथ मिलाकर भी इसको रूमेटिज में काम में लेंगे, परगेटिव भी है। तो ये हमने देखा यूकलिप्टस के। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने चौथे नंबर पर नजर आ रहा है, साइजीजियम एरोमेटिकम जिसको हम कहेंगे क्लोव लोम। तो साइजीजियम एरोमेटिकम की जो सूखी पुष्प कलिका है उनसे के आसवन द्वारा लौंग तेल प्राप्त किया जाएगा, क्लोव ऑयल जो औषधि के रूप में दांतों के दर्द में काम में लेते हैं, और इसका लौंग का प्रयोग औषधि और मसालों के रूप में भी किया जाएगा जिसकी हम बात अभी उसमें करेंगे स्पाइसेस के रूप में। तो हमें जो देख रहे हैं कि क्लोव ऑयल इज एंटीपायरेटिक एंड लार्जली यूज्ड इन गम ट्रबल्स, ये बहुत मसालों के रूप में काम आ रहा है, काम आएगा इसी मेडिसिन के रूप में भी काम आ रही है साइजोमेरेटिकम। तो ये हमने देखा इसकी मेडिसिन के रूप में उपयोगिता। अब हम अदर उपयोग जो हैं इसके, दूसरे जो अदर यूजेज हैं उनकी बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात करी साइजीजियम एरोमेटिकम की क्लोव्स, इसकी जो इस, ये मसालों के रूप में काम आ रहा है, इट इज़ यूज्ड एज ए स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स, मसाले और गर्म मसाले के रूप में लौंग का बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन से भाग से प्राप्त होती है, अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स आर द क्लोव। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लौंग पुष्प पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है क्लोव, तो आप इसको कहेंगे इसकी जो पुष्प कलिका है, फ्लावर बर्ड है अनओपन्ड, वही है लौंग क्लोव। तो ये हमने जो देख रहे हैं यहाँ पर, द एसेंशियल ऑयल्स आर ऑप्टेंड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ यूकलिप्टस, सॉरी अब हम बात इसकी बात कर रहे थे अभी लौंग की, क्लोव की। तो क्लोव जो है ये है अनओपन्ड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव, और ये मसालों के रूप में हमें इसको काम में लेंगे। फिर हम देखते हैं यूकलिप्टस स्पीशीज, यूकलिप्टस स्पीशीज में से भी ऑयल प्राप्त होगा, एसेंशियल ऑयल्स आर ऑप्टेंड। यहाँ हमने देखा कि द एसेंशियल ऑयल्स आर ऑप्टेंड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ यूकलिप्टस स्पीशीज। और फिर हम देख रहे हैं गोंद भी प्रदान कर रहे हैं ये यूकलिप्टस स्पीशीज, जो गोंद देगी सेवरल स्पीशीज ऑफ यूकलिप्टस लाइक यूकलिप्टस ग्लोबुलस, यूकलिप्टस रोस्टेटा, यूकलिप्टस मेक्यूलेटा, इनसे गोंद प्राप्त होगा। दे यील्ड वैल्यूएबल गम्स, जैसे यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका जो गोंद होगा वो ब्लू गम कहेंगे, यूकलिप्टस रोस्टेटा रेड गम, यूकलिप्टस मेक्यूलेटा सिट्रोन गम। तो ये गोंद के रूप में भी उपयोगी है जिसको भी हम काम पे लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो बात करी इनके आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व जो हमने पूरा इनका देखा, कई रूप में इसका परीक्षा में प्रश्न कई रूप से पूछा जा सकता है। जैसे आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए, राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी ऑफ फैमिली मेडिसिन, तो आप तो पूरा लिखना है। अगर आपसे पूछे केवल मेडिसिन दो उनके नाम दीजिए, बॉटनिकल नेम, तो दो नाम लिखने हैं। दो एडिबल फ्रूट्स के नाम लिखने हैं, तो आप अमरूद और जामुन इनके बॉटनिकल नेम देंगे। तो ये और इनके टिम्बर वुड के रूप में पूछे हैं, तो यूकलिप्टस और दूसरे का नाम लिखेंगे। तो ये हमने जो बात करी इसके, इस फैमिली के आने वाले आर्थिक महत्व की, और बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली मेटेसी का आर्थिक महत्व। कुछ नाम जो हमने शुरू में बात कहे उनको जेनरा को आपको जानना जरूरी है। जैसे हमने बात की कैलिस्टिमोन को आप जान जाएं, यूकलिप्टस साइडियम और लौंग साइजीजियम एरोमेटिकम, ये पांच स्पीशीज पांच जेनरा आपको जानना जरूरी है। तो ये हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंसी ऑफ फैमिली मेटेसी। अब हम बात करते हैं इस फैमिली की एफिनिटी की, बंधुता की। एंग्लियर एंड प्रेंटल प्लेस्ड द मेटेसी इन द ऑर्डर मिर्टीफ्लोरी अलोंग विद अदर 17 फैमिलीज। वेस्टीन, बेसे एंड हचिनसन एडॉप्टेड द नेम मिर्टेल्स। बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड द फैमिली मिर्टेसी अलोंग विद लाइथ्रेसी, कॉम्ब्रिटेसी एंड ओनाग्रेसी। चार्ल्स बेसे सपोर्टेड
the view that the order metals is allied to rogels in many respects and probably derived from it. The order metals is also allied to umbilalis in epigyny, the number of carpals, and in pendulous orbis. Hence, the systematic position of metals is just before the umbilalis. Thanks.